तो हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी है, और ज्योग्राफी में हम लोग ने इससे पहले के वीडियो में देखे भूमि संसाधन, उसके बाद देखे जल संसाधन देखेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा जल साधन संसाधन है। इससे पहले हम लोग ने भूमि संसाधन देखे थे। जो भी संसाधन है सबको अलग अलग करके सबसे रिलेटेड क्वेश्चन हम आप लोग को बताएंगे। इससे पहले जो हमने भूमि संसाधन देखे थे उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था मैंने आपको बताया। अब जो हमारा जल संसाधन है और जल संसाधन से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है वो हम आपको बताएंगे, कि जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यानी कि 200 क्वेश्चन याद करना, बहुत कम क्वेश्चन हम आप लोगों को देंगे जो कोई एग्ज़ाम में आने वाला रहता है, जो पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, ताकि आपको नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है एक नई वीडियो बनाने के लिए। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला नंबर जो क्वेश्चन है, लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका जो फाइनली आंसर होगा वो होगा सी, मतलब बिहार में जो है लक्ष्मी सागर झील स्थित है। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन दिख रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा लवणीय झील है? यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लवणीय झील है? तो फ्रेंड्स, इसका जो फाइनली आंसर होगा दूसरा नंबर का होगा सी, सांवर। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? गंगा नदी पर गांधी सेतु किस, सेतु जो होते हैं पुल को बोलते हैं, किस नद शहर के निकट स्थित है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो तीसरा नंबर का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पटना। पटना टू हाजीपुर जो है एक पुल बना हुआ है, जो गांधी सेतु पुल हम लोग बोलते हैं। चलिए हम लोग आगे की ओर देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, फोर्थ नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी, नीलागढ़ है। चलिए हम लोग आगे की ओर चलेंगे। आगे जो हमारा क्वेश्चन है, पांचवा नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी फ्रांस घाटी से होकर गुजरती है? कौन सी नदी फ्रांस घाटी से होकर गुजरती है? तो फ्रेंड्स, फाइव नंबर का सही आंसर हो जाएगा तापी, तापी घाटी से होकर गुजरती है। चलिए हम लोग सिक्स नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा नदी प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो फ्रेंड्स, सिक्स नंबर का सही आंसर हो जाएगा अभी गोदावरी, भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखें, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता कब हुआ था? फ्रेंड्स, हमने जैसा कि आपको बताया थे, जल संसाधन से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा इस चैप्टर में आप लोग को मिल जाएगा। तो सेवन नंबर में जो है कह रहा है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, सेवन नंबर सही आंसर हो जाएगा 1960 ईस्वी में, 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, तो आप लोग याद रखें। और आठवां नंबर है सगपो, आठवां नंबर जो है सांगपो किस नदी का उपनाम है? तो फ्रेंड्स, एट नंबर का जो फाइनली आंसर होगा वो होगा बी, मतलब ब्रह्मपुत्र। चलिए नंबर नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नंबर नंबर जो क्वेश्चन हमारे पास है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित होते हैं? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित होते हैं? तो फ्रेंड्स, नाइन नंबर का सही आंसर होगा डी, मतलब 96.6%, 96.6% जो है। चलिए हम लोग आगे चल चुके हैं, दसवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देखिए 2018 में ये क्वेश्चन तो पूछा गया है, 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो फ्रेंड्स, दस नंबर का जो सही आंसर होगा सी, पंडित नेहरू। पंडित नेहरू बोले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो हमारा है 11 नंबर क्वेश्चन, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? ये तो क्वेश्चन की बात करूँ 2018 में पूछा गया, ये साइंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये जल संसाधन था, जल संसाधन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को मैंने बोला था बताऊंगा। तो प्राणियों में जो हमारे शरीर में है कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो फ्रेंड्स, 11 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी, मतलब 65% जल निहित होते हैं, कितनी अच्छी बात है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में अति जल दोहन में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? 2018 में पूछा गया है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो फ्रेंड्स, 12 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा सी, आइसोनिक।
आर्सेनिक का। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है एक नई वीडियो बनाने के लिए। फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके। आप भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें।